वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियो फॉर लर्नर्स। एंड जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं आपको यूजीसी नेट एनटीए सोशियोलॉजी के लिए प्रिपरेशन करवाता हूँ। बट अभी पिछले कुछ समय से हमारी क्लासेस जो हैं रेगुलर नहीं हो पा रही हैं, सो आई उसके उसके लिए आई रियली सॉरी, बिकॉज आप लोग चाह रहे थे कि रेगुलर क्लासेज हों एंड क्लासेज नहीं हो पा रही थी। बट अगेन आज की क्लास में हम आपके पास आए हैं यूनिट 4 को पढ़ाने के लिए, ठीक है। यूनिट 4 हमारा ग्रामीण एवं कृषक संरचना है, उसका एक टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप लोग को जानकारी दे दें कि आप लोग टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाएं, @sociofollearners एंड टेलीग्राम चैनल है हमारा, ठीक है। एंड साथ साथ टेलीग्राम चैनल है, यहाँ लिंक दिया गया है, आप लोग उससे जुड़ जाएं, हमारे बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। एंड जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं इसी के साथ साथ अनअकैडमी पर भी एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। सो आप लोग जो है मुझसे अनअकैडमी पर भी जुड़ सकते हैं, जी हाँ, आप अनअकैडमी पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं साथ साथ। एंड आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अनअकैडमी का हमारा प्रोफाइल यहाँ पर दिया गया है, आप अनअकैडमी पर हमें फॉलो करें सो दैट आपको हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी मिल जाए, ओके। एंड अभी एट प्रेजेंट हमारा ये रिविज़न कोर्स एट प्रोग्रेस है, अभी चल रहा है, ठीक है। एंड ये कोर्सेज हमारे ऑलरेडी 2 कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इस कोर्स का एक पार्ट 2 भी हमने लॉन्च किया हुआ है, जिसकी कुछ क्लासेज हो गई हैं एंड कुछ रिमेनिंग। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो भी क्लासेज हैं वो प्रॉपर हिंदी में है, ठीक है, वो प्रॉपर हिंदी मीडियम में है। सोशियोलॉजी UGC NET NTA सोशियोलॉजी के लिए प्रॉपर हिंदी मीडियम में ही है जितना भी मटेरियल है। सो आप लोग मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करें सो दैट आप लोग जो भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं आपको वहां से आसानी होगी और आप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, ओके। एंड यू नो अबाउट द फी स्ट्रक्चर, ठीक है, आई थिंक आप सब लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो आपको हम जानकारी दे दें। 1 मंथ का यहाँ पर है 2100 रुपये, 3 मंथ्स का 5200 रुपये, एंड 6 मंथ का 9450, एंड 12 मंथ्स का 11550, एंड 24 मंथ्स का 16800, ठीक है। आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ 10% का डिस्काउंट भी अवेल हो जाएगा, ओके। आप जैसे ही मेरा डिस्काउंट यूज़ करेंगे यहाँ पर प्रोसीड टू पे पर जाएंगे, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप इसमें paper 1 and paper 2 ओके दोनों की वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। एंड सोशियोलॉजी में जो भी हम अभी आपको कोर्स करवा रहे हैं वो उस कम्प्लीट कोर्स की ये रीच आपको मिल जाएगी, ओके। एंड प्लस क्लासेस जो होती हैं हमारी, जो प्लस कोर्स है उसमें आप देख सकते हैं हमारा डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड अनलिमिटेड एक्सेस हम लोग आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ओके। सो आप लोग, आई होप आप लोगों को पसंद आएंगी क्लासेज एंड आप लोग कोर्स ज़रूर से ज्वाइन करेंगे। आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ओके, एंड वहाँ से आप जो है हमारा सर्च करेंगे जैसे ही नाम, तो आपको हमारा प्रोफाइल वहाँ ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा, ओके। इसके अलावा हम स्पेशल क्लासेस भी लेते हैं काफ़ी सारी, जिसमें जनरली PYQs कराया जा रहा है, सो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट आप लोगों को बेनिफिट मिल जाए, ओके। काफ़ी लंबे समय के बाद आज हमने क्लास स्टार्ट करी है, एक्चुअली यूनिट 3 के बाद हमने कोई क्लास नहीं करी थी। सो यूनिट 4 को हमने आज एक टॉपिक उठाया है, यूनिट 4 का बेसिकली, एंड आप टॉपिक देख सकते हैं यूनिट 4 का, हमारा जो टॉपिक है भूस्वामित्व, ओके, भूस्वामित्व और कृषक संबंध, ठीक है, भूस्वामित्व और कृषक संबंध। आप लोगों को मालूम होगा हमारे सिलेबस में ये टॉपिक दिया गया है एंड अपडेटेड सिलेबस है NTA UGC नेट का, तो इस छोटे से टॉपिक को हम कवर अप कर लेते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारी फ्री क्लासेस हुई हैं और जो आज 9 PM पर होने वाली है उसका भी लिंक हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। सो आप लोग अगर हमें फॉलो करेंगे अनअकैडमी पर तो आपको जो भी हमारी क्लास की अपडेट्स हैं वो ईजिली मिल जाएंगी, ठीक है, ओके। चलिए शुरुआत करते हैं भूस्वामित्व और कृषक संबंधों से, ठीक है। देखिए आपको मालूम है कि भारत में जो कृषक संबंध है वो हमेशा से समस्याग्रस्त रहे हैं, ठीक है, किसान हमेशा से समस्याग्रस्त रहे हैं और हमारी ग्रामीण सामाजिक संरचना में बिना कृषकों के अधूरी है, ठीक है। तो भूस्वामित्व जो है, ये संबंध जो है हमेशा से बदलते रहे हैं, चाहे वो मुगल काल रहा हो, चाहे वो अंग्रेजी काल रहा हो, ठीक है, चाहे वो आज का वर्तमान यानी कि आधुनिक युग, कि आज के समय को हम आधुनिक कह सकते हैं, तो इन तीनों संदर्भों में जो कृषक संबंध था, ठीक है, जो कृषक संबंध था वो कहीं ना कहीं बदलता रहा है। तो आप अगर हम आपको बताने की कोशिश करें, आई होप वीडियो आप लोगों को क्लियर शो रहा होगा, हमें जूम करने की आवश्यकता नहीं होगी, आई थिंक स्क्रीन क्लियर होगी सभी लोगों को। देखिए तो मुगल काल, अंग्रेजी काल और आधुनिक काल, ठीक है, तीनों ही समय में जो हमारे कृषक संबंध थे वो पूरी तरह से परिवर्तित हुए हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो कहाँ है हमारा, जो अंग्रेजों के समय में हुआ है, ठीक है, तो हमें इन सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको पढ़ना है। तो देखते हैं, देखिए भूस्वामित्व एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अनुसार भूमि का स्वामित्व, दायित्व एवं अधिकार
निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। इसकी भूमि पर किसका अधिकार होगा और भूमि किसको दी जाएगी, ये इसमें निर्धारित किया जाता है, ठीक है। ब्रिटिश शासन काल में यह अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त है, भूपट्टेदारी व्यवस्था के रूप में भी जाने जाता था, ठीक है। और यह व्यवस्था क्या थी, एक तरीके की भूपट्टेदारी व्यवस्था के रूप में जानी जाती थी। आई होप हमें लगता है ये सभी लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। देखिए जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल अलग है और जो समाजशास्त्रीय पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल अलग है। तो आप लोग ऐसा ना समझे, क्योंकि हम यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ही ब्रीफिंग करेंगे उसकी, ऐसा ना समझे कि हम आपको इन रैयतवाड़ी महलवाड़ी और ज़मींदारी का पूरा एस्पेक्ट पढ़ा दें, क्योंकि वो समाजशास्त्र के हिसाब से इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सोशियोलॉजी के हिसाब से इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको केवल बेसिक्स जानना है कि किस कोई व्यवस्था लागू थी या नहीं थी और उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ओके। चलिए देखिए, सबसे पहले हमारी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। व्यवस्था में किसान को भूमि का स्वामी होता था, ठीक है। देखिए रैयत का मतलब क्या होता है, किसान को ही रैयत कहा जाता है। तो जो व्यवस्था थी इसमें किसान जो था उसको भूस्वामी माना गया और सरकार भूमि पर लगान उसकी उर्वरा शक्ति के अनुसार तय करती थी, ठीक है। कोई भी जो भूमि थी, एक लैंड था, ठीक है, और उसकी उर्वरता शक्ति क्या थी उसके आधार पर ही जो है उसकी लगान तय करी जाती थी, ठीक है। यह व्यवस्था 20 से 30 वर्ष के लिए की जाती थी। अब देखिए होता क्या था, जो ये लैंड था कम से कम 20 से 30 साल के लिए, ठीक है। अब सोचिए क्या 20 से 30 साल में क्या कभी भी ज़मीन की उत्पादकता में परिवर्तन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये तीनों व्यवस्थाएँ शोषणकारी ही रही हैं। एक चीज़ याद रखें, रही तीनों व्यवस्थाएँ शोषणकारी है, तीनों व्यवस्थाएं अपने आप में शोषणकारी रही हैं। और जो फर्स्ट है हमारा रैयतवाड़ी, ये भी एक तरीके से शोषणकारी ही थी। और याद रखें कि पूरे भारत में समान रूप से लागू नहीं है, ठीक है, सभी जगह लिमिटेड लिमिटेड रूप में थी। तो जो इम्पोर्टेंट है वो कॉन्सेप्ट है आपके हिसाब से, वो ये है कि इसमें जो किसान था वो भूमि का स्वामी होता था, ठीक है। यह व्यवस्था 20 से 30 वर्ष के लिए लागू की जाती थी। थॉमस मुनरो द्वारा यह व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में लागू की गई थी। आई होप थॉमस मुनरो का नाम आप सभी लोगों ने सुना हुआ होगा। तो क्योंकि जो थॉमस मुनरो थे, इन्होंने जो है इस व्यवस्था को भारत में लागू कराने के लिए काम किया, शुरू किया था। और जैसे जैसे समय परिवर्तित होता गया, व्यवस्था परिवर्तित होती गई और धीरे धीरे जो है इस व्यवस्था में भी काफ़ी सारे परिवर्तन आते रहे हैं, ओके। और लागू कहाँ की गई थी, मद्रास में सर्वप्रथम। तो देखिए यूजीसी एनटीए के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जितना जानना है वो लिमिटेड है, ठीक है। तो ऐसा ना समझें कि आप जो है बहुत ज़्यादा जाने, ठीक है। इसके अलावा हम अब कोशिश करेंगे अनअकैडमी पर भी आप हमारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज यूट्यूब चैनल पर हम पूरी तरह से ऑपरेशनल कर रहे हैं इस चैनल को अब। एंड हम आई होपफुली हम ज़रूर से जो है यहाँ पर पूरे सिलेबस को कंप्लीट करके ही आप लोगों को जो है क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। अब शुरुआत हम कर चुके हैं, शुरुआत पहले कर चुके थे, बट आई रियली सॉरी क्योंकि बीच में जो है किसी कारणवश हम जो है चैनल पर अपडेट नहीं कर पाए वीडियोस, ओके। बट अभी हमारा बहुत एक लंबा प्लान क्योंकि चल रहा है चैनल के ऊपर जो है सोशियोलॉजी पढ़ाने के लिए, सो उसी में थोड़ी सी व्यस्तता की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है। सो आप लोग ज़रूर से हमें फॉलो करें, अनअकैडमी हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, एंड फेसबुक चैनल जो है, फेसबुक जो पेज है उसको भी लाइक करें, ठीक है। इसके अलावा जो भी देखिए, इस इतना हम ये नहीं कहेंगे कि आप केवल इतना जान लें और पेपर में इतना ही आएगा, ये एक ब्रीफिंग है, ठीक है। ये समझ लें केवल हम आपको एक जो है ना केवल समझा रहे हैं, एक बेसिक्स है, ठीक है। ये एक तरीके से एक बेसिक्स है हमारा इस टॉपिक का, ठीक है। इसकी जो डिटेल्ड एनालिसिस है हम किसी भी क्लास में आपको दोबारा से कोई लेक्चर करेंगे यहाँ पर यूट्यूब पर या फिर लाइव सेशन लेंगे, उसमें हम आपको पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे, ओके। महलवाड़ी व्यवस्था, अब महल का मतलब क्या होता था, यानी कि पूरा का पूरा एक समूह, ठीक है। महल का मतलब हिंदी में वैसे जो माना गया है वो एक समूह माना गया है, ठीक है। तो समूह के संदर्भ में क्या माना गया था, महल क्या था, एक गांव, ठीक है। यहाँ पर क्या माना गया उस समय अंग्रेजों के समय में कि एक गांव होगा पूरा का पूरा, और इस व्यवस्था में भूमि पर समस्त गाँव का स्वामित्व होता था, ठीक है, जिसमें एक व्यक्ति मालगुजारी एकत्रित करके सरकारी कोष में जमा कराता था। तो इसमें क्या होता था, ये पूरा का पूरा आपका एक लैंड है, ठीक है, और इसमें क्या बोल दिया कि भाई यहाँ पर एक मान लीजिए ये घर है इस तरीके से, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से घर वर बना हुआ है यहाँ पर। तो बोला सारे गांव हैं, मतलब मान लीजिए सारे यहाँ पर घर हैं पूरे में, है ना, आसपास में। तो इन्होंने क्या बोला, भाई जो पूरा गांव है, कोई हर एक व्यक्ति अलग अलग रूप से लगान जमा नहीं करेगा, कोई एक व्यक्ति या फिर पूरा जो समूह है गाँव का, मालूम है ना, चौधरी होते थे, पंचायत, जो बुजुर्ग व्यक्ति होते थे, तो ये सभी लोग क्या करते थे, किसी एक को दे देते थे। इकट्ठा करा सबने अपना पूरा का पूरा जो भी इनका राशन वगैरह ये खाद्यान्न जो भी उगाते थे, ठीक है, और उसको क्या करा,
कोई एक व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जो है उसको जाके सरकारी कोष में जमा करा देता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपका अंग्रेजों का ऑफिस है, सारा का सारा माल यहाँ से ले जाके वहाँ दे दिया जाएगा। ठीक है, तो गांव इस व्यवस्था में, महल का अर्थ होता है पूरा गांव। ठीक है, इस व्यवस्था में भूमि पर समस्त गांव का स्वामित्व होता था, जिसमें एक व्यक्ति माल गुजारी एकत्रित करके सरकारी कोष में जमा करा देता था। ठीक है, और जो जमीन होती थी बेसिकली भूमि पर समस्त गांव का स्वामित्व केवल समस्त गांव का रहता था। ठीक है, पिछली वाली में हमने क्या पढ़ा था, उसमें क्या बोला गया था, डिफ्रेंशिएट करते चले। ठीक है, जैसे कि यहां पर क्या कहा गया था कि जो किसान था भूमि का स्वामी उसी को माना गया था। ठीक है, और यहां पर क्या बताया गया कि महल पूरे गांव को जो है भूमि का जो जमीन थी लैंड था उसके ऊपर क्या बोला गया कि पूरे गांव का सामूहिक अधिकार है। ठीक है, कन्फ्यूजन ना रखें, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बने हैं और बनने की संभावना पूरी रहती है इसीलिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर हमारी जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, इस व्यवस्था में जमींदारी भूमि, जमींदार जो था वो भूमि का स्वामी होता था और भूमि पर उसका पूर्ण स्वामित्व रहता था। जमींदार सरकार को भूमि कर देता था यानी कि टैक्स देता था, और यह जमींदार एक प्रकार से सरकार व किसान के बीच एक बिचौलिया या मध्यस्थ के रूप में काम करता था। ओके, और जमींदार के द्वारा गांव के लोगों से खेती कराई जाती थी। अब देखिए सेकंड सिस्टम में क्या हुआ, ये हमारा लैंड था। ठीक है, हमने जैसे कि बताया यहाँ पर घर थे काफ़ी सारे लोगों के, है ना। इन्होंने क्या करा, अब अंग्रेज़ों ने क्या करा, मान लीजिए ये अंग्रेज़ों का ऑफिस था यहाँ पर, इन्होंने क्या करा भाई, एक व्यक्ति थे उसको अपॉइंट कर लिया। ठीक है, कोई व्यक्ति थे गाँव का, कोई व्यक्ति था उसको बोला, चाहे वो गाँव का हो चाहे ना हो, ये याद रखिएगा, आवश्यक नहीं था कि वो व्यक्ति गाँव का हो, और उसे खेती की जानकारी, उसे कुछ नहीं पता होगा तो भी उसे जो क्या बना दिया गया, जमींदार। इसको नाम दिया गया भाई जमींदार। देखा है ना पहले की मूवीज वगैरह में होते थे जमींदार, है ना, घोड़े पे आता था। अब ये व्यक्ति क्या करता था, आएगा किसानों को पीटेगा और उनसे जितना भी उनका खाद्यान्न है वो जमा करवाएगा, उठाएगा और अंग्रेजों को दे देगा। ठीक है, ये क्या था, एक तरीके से मध्यस्थ की तरह काम करता था। अब किसान जो थे, इस व्यक्ति को एक तो कृषि की नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी, ये क्या करता था, जोर जबरदस्ती, ठीक है, जोर जबरदस्ती पे या फिर कुछ भी फसल उगवा दी वहां पर और उसको जो है सीधे सीधे कोष में जमा करवाता था। ठीक है, सूर्यास्त का एक नियम था। ठीक है, एक सूर्यास्त का नियम था, वैसे ही जान ले केवल, इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा विषय में, हिस्ट्री में, सूर्यास्त का नियम भी हमारा इसी से जुड़ा हुआ था। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था से, कि सूर्य उदय होने से पहले पहले जो है वो टैक्स जमा करना होता था। ठीक है, मतलब सूर्यास्त होने से पहले पहले, सूर्यास्त होने से पहले पहले जमींदार को टैक्स जमा करना होता था, और ये बहुत ही ज़्यादा शोषणकारी व्यवस्था थी। ठीक है, बात ये थी कि शोषणकारी तीनों थे पर स्वरूप तीनों के अलग अलग थे। ठीक है, ये बेसिक्स हैं जो हमने आपको बताया है कि किस तरीके से व्यवस्थाएं भारत में प्रचलित थी। ठीक है, कोशिश हमारी है कि आगे भी जो है हम आपको डिटेल एनालिसिस इस तरीके की प्रदान करते रहें। ठीक है, आगे देखें इसी टॉपिक में, यह व्यवस्था स्थायी व अस्थायी थी। स्थायी व्यवस्था में कर निश्चित रहता था और अस्थायी व्यवस्था में कर सरकार द्वारा परिवर्तित किया जाता था। ठीक है, ये जो महलवाड़ी व्यवस्था थी, जो ये व्यवस्था थी हमारी, ये वाली देखिए जमींदारी व्यवस्था, ठीक है, जो हमारी जमींदारी व्यवस्था थी इसमें क्या बताया गया कि यह व्यवस्था स्थायी व अस्थायी थी। ठीक है, और स्थायी व्यवस्था में कर निश्चित रहता था और अस्थायी व्यवस्था में कर को जो है सरकार द्वारा परिवर्तित किया जाता था। ओके, अगर हमारी स्पीड ज़्यादा हो तो उसके लिए जो है थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, बता दें हमें, ठीक है, कमेंट वगैरह में, क्योंकि समय कम रहता है और टॉपिक छोटा सा है, वैसे हमें लगता है इतना टफ नहीं है। ठीक है, कोशिश ये है हमारी कि आप लोगों को बेसिक क्लियर कर दिया जाए एक बार। ठीक है, अगर आप लोग बेसिक समझ लेंगे तो हमें लगता है आगे भी जान जाएंगे। ठीक है, ओके, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भूमि सुधार। अब जो स्वतंत्रता प्राप्ति हुई जब हमारी, तो उसके बाद भी भूमि सुधार हुए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेक्शन यही है। ठीक है, देखिए, और क्या परिवर्तन हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भू अभिलेखों का आधुनिकीकरण किया गया है। सबसे पहली बात, जो हमारे भू अभिलेख होते हैं ना, लैंड रिकॉर्ड्स, उनका आधुनिकीकरण किया गया। एट प्रेजेंट आपके सिलेबस में ई गवर्नेंस है, यूनिट 9 में, है ना, तो ई गवर्नेंस जैसे सिस्टम है ना, आज की डेट में भी ये किया जा रहा है। ठीक है, चकबंदी व्यवस्था अपनाई गई। ठीक है, जो खेत होते थे, अव्यवस्थित खेत होते थे ना पूरे के पूरे, तो चकबंदी करके उनको क्या किया गया, इक्वल किया गया सबको, ताकि उत्पादन हो या प्रोडक्शन हो या फिर सिंचाई करनी हो या खेती करनी हो, उसमें क्या हो, परफेक्शन आ सके। ठीक है, काश्तकारों को भूमि खरीदने का अधिकार दिया गया। अब ये काश्तकार कौन थे भाई,
काश्तकार कौन थे अंग्रेजों के जमाने में, जो लोग खेती करते थे या फिर किसी तरीके के कार्य करते थे। ठीक है, काश्तकार बेसिकली देखिए इतिहास में दो तीन लोगों के लिए यूज किया गया है। एक तो काश्तकार हमारे वो थे जो हाथ से कोई चीजें बनाया करते थे ना, उन लोगों को भी काश्तकार कहा गया है। ठीक है, दूसरा वो लोग भी थे जो खेती करते थे और जैसे कपास वगैरह निकाला और उसका रुई बनाना या धागे बनाना, ये लोग भी एक तरीके से काश्तकार ही थे। ठीक है, तो जो ये काश्तकार थे ये जनरली इनकी भूमि खुद की नहीं होती थी और ये लोग क्या करते थे, ये दूसरे जमींदारों की ज़मीनों पर या फिर किराए की ज़मीन पर खेती करते थे। ठीक है, तो जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो अधिकार दिए गए तो ये कहा गया कि भाई ये जो काश्तकार हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, गरीब लोग हैं, इनके पास ज़मीनें नहीं हैं, तो इनको अधिकार दिया गया कि जो बहुत लंबे समय से किसी ज़मीन पर खेती कर रहे हैं, मान लीजिए कोई काश्तकार 20 साल से किसी ज़मीन पर खेती कर रहा है, तो उसको बोला गया कि भाई इनको ये खेती दे दी जाए, यानी कि ज़मीन इनको प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए यहाँ से ऐसे सेक्शन से बनता है और UGC NTA में आपके सिलेबस में क्योंकि ये दिया गया है ना भूस्वामित्व और कृषक संबंध, तो ये आधुनिक जो भूमि सुधार हुए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी आपसे डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन से भूमि सुधार, इस तरीके से ना, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस प्रकार के भूमि सुधार किए गए हैं। ठीक है, और ऑप्शंस आपके सामने ऐसे ही आ जाएंगे A, B, C, D। ठीक है, आपको नहीं आइडिया होगा तो गलत कर देंगे, कई बार ऐसा दिया जाएगा कौन सा सुधार नहीं किए गए। ठीक है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। अनअकैडमी पर आप देख सकते हैं हमारी जितनी भी क्लासेस हैं जो प्लस कोर्स हैं, ठीक है, वहाँ पर हम इसी तरीके से पढ़ाते हैं, क्लास के साथ साथ क्वेश्चंस की फ्रेमिंग भी करवा कर आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को कन्वीनियंट रहेगा इस वे में और आप लोग जो है वहाँ पर भी क्लासेस एक्सेस कर पाएंगे प्लस कोर्स में एनरोल होने के बाद। ठीक है, एंड जो स्पेशल क्लासेस है वो आप सभी लोगों के लिए फ्री है। सेकेंड थिंग, कृषि भूमि की सीमा का निर्धारण किया गया जिसमें बड़े भूस्वामियों से भूमि लेकर भूमिहीन किसानों को दी गई। ठीक है, भू आंदोलन वगैरह चलाए गए थे, विनोबा भावे का आपने नाम सुना होगा, तो बड़े जो किसान थे जो कृषि भूमि जिनके पास थी उनसे क्या कहा गया कि वो लोग अपनी ज़मीनों को एक तरीके से दान भी कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें बहुत सारी कमियां निकाली गई थी लेकिन काफ़ी हद तक जो है लाभप्रद स्थिति प्राप्त की गई। ओके, एंड काश्तकारी सुधार किए गए। ठीक है, इसी तरह से जो ये काश्तकार थे इनके लिए काफ़ी सारी और सुविधाएं भी इन्हें प्रदान की गई। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था भूस्वामित्व और कृषक संबंध। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारा एक टॉपिक आप सिलेबस में देखेंगे, टॉपिक है कृषक अर्थव्यवस्था का ह्रास। ठीक है, जो हमारी कृषि अर्थव्यवस्था है इसका क्या हो रहा है, एक तरीके से इसका ह्रास होने लगा है। ठीक है, ओके, हमने थोड़ा जूम कर दिया, आसानी रही आप लोगों को देखने में। तो जो ये कृषक अर्थव्यवस्था है, डिक्लाइन ऑफ एग्रेरियन इकोनॉमी, एक बार इसको थोड़ा सा समझ लें कि ये क्या रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम आपको डिटेल एनालिसिस कभी और लेक्चर सपोर्ट करे रहेंगे तो उनमें हम आपको और बता देंगे। ठीक है, देखिए जो ये कृषक अर्थव्यवस्था, इसका ह्रास हुआ क्यों, बेसिक पॉइंट्स को समझें पहले। देखिए, कृषि क्षेत्र के रोजगार में आकार में गिरावट के परिणाम स्वरूप 1991 से अब तक 15 लाख से भी ज़्यादा किसान कृषि कार्य छोड़ चुके हैं। आप जानते हैं ये जो डेटा है ये लेटेस्ट डेटा है। ठीक है, रिन्यूड सोर्सेज से हमने ये कलेक्ट किया है। 1991 से अब तक 15 लाख से भी ज़्यादा लोग कृषि कार्य छोड़ चुके हैं भारत में। ठीक है, वर्तमान में यह क्षेत्र GDP का केवल 17% योगदान दे रहा है जबकि कार्यबल कितना है इसमें 57%। अपने आप में एक हैरानी वाली बात है ना भाई, जो सेक्टर GDP में 17% का योगदान दे रहा है वहाँ 57%, यानी कि भारत की आधे से ज़्यादा जनसंख्या को नौकरी दे रखी है उस सेक्टर ने। इसका मतलब क्या हुआ इनडायरेक्टली कि जो पैसा है, यानी कि जो आप पैसा कमा रहे हैं वो या तो निम्नतम कमा रहे हैं या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कमा रहे हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष बेरोजगारी समझते हैं ना कृषि क्षेत्र में, तो सबसे ज़्यादा वो है जो काम एक खेत में दो व्यक्ति कर सकते हैं वही काम परिवार के 10 सदस्य कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष बेरोजगारी हो गई है ना। और ये लोग इतना पैसा ही नहीं कमा पा रहे हैं कि अपना जीवन यापन कर सकें। ठीक है, तो अभी हुआ क्या है, कृषकों ने काफ़ी सारे कृषक क्षेत्र में लोगों ने अपने कृषि क्षेत्र को परिवर्तित कर दिया है। ठीक है, और मॉडर्न है, अब तो मॉडर्न सोसाइटी में क्या लगाया, आपको मालूम होगा हरियाणा, पंजाब, मोहाली, चंडीगढ़ वगैरह में ज़मीनें लोगों ने बेच दिए किसानों ने और उन पर फ्लैट्स वगैरह बनने लगे, है ना। चलिए,
औद्योगिक क्षेत्र की धीमी वृद्धि और कृषि से उद्योग तक विविधीकरण भारत में स्पष्ट विफलता रही है। ठीक है, भारत में जो कृषि क्षेत्र है इसकी अर्थव्यवस्था का ह्रास होने का और एक प्रमुख कारण क्या बताया गया, देखिए औद्योगिक क्षेत्र की धीमी वृद्धि। अरे देखिए, जब किसानों ने प्रोडक्शन किया, ठीक है, मान लीजिए खाद्यान्न को छोड़कर जो अन्य चीज़ों का जैसे कि जूट कपास है, तो ये औद्योगिक क्षेत्र में तो गया नहीं, गया भी तो बिचौलियों के द्वारा गया और धीमी वृद्धि रही। तो कृषि जो उद्योग था, एक तरीके से इसको भी डेवलप हो जाना चाहिए था ना, उसका लाभ अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र को मिलना था, लेकिन कृषि क्षेत्र को नहीं मिला है ना। तो क्या हुआ, एग्रीकल्चर हमारा विफल हुआ है। लोगों ने क्या करा, जूट कपास, ठीक है, इस तरीके की चीज़ों को, फसलों को, जो जो नगदी फसल थी, इन्हें उगाना बंद कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखें। 1980 के दशक की तुलना में 1990 के दशक में कृषि के विकास में गिरावट आई है। ठीक है, 1990 के दशक के मध्य तक खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न दोनों के लिए उत्पादनों में गिरावट आई है। ओके, देखिए ये करंट का डेटा है, आप लोगों को मालूम होगा आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कई बार करंट से रिलेटेड होते हैं, है ना। तो इसीलिए हमने इस तरीके का इन पॉइंट्स को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का ह्रास है और इस तरीके का कभी कुछ आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। खाद्यान्न की उपलब्धता कम हो गई है और भारत ने घरेलू बाजार मूल्यों की तुलना में बहुत अधिक कीमतों पर खाद्यान्नों का आयात करना शुरू कर दिया है। ये एक पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, कि जो हमारे किसान हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो तो निम्न स्तर पर या फिर कम पैसों पर मार्केट में आ गया है ना, लेकिन सरकार कहाँ पैसे खर्च कर रही है या फिर क्या किया जा रहा है, इम्पोर्ट किया जा रहा है, बाहर से खाद्यान्न को इम्पोर्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो घरेलू मांग है वो बहुत ही निम्न स्तर पर रह जा रही है या घरेलू स्तर पर रह जा रही है या ख़राब हो जा रही है। अगर इन किसानों की जो खाद्यान्न है उसको एक्सपोर्ट किया जाए तो ज़्यादा फायदा है किसानों को भी और सरकार को भी, लेकिन किन्ह कारणों से ऐसा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, खाद्यान्न अनाजों की कीमतों में गिरावट के कारण कृषि क्षेत्र कम लाभदायक हो गया है। और क्या हुआ है, कीमतों में कमी के कारण कृषि क्षेत्र में क्या हो गया है, डाउनफॉल है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और खेती के तहत क्षेत्रों में गिरावट आई है, यही हमारे प्रमुख कारण है कृषक अर्थव्यवस्था के ह्रास के। ठीक है, डिक्लाइन हो रहा है जो हमारा एग्रीकल्चर पूरी तरह से। ठीक है, 1992 से सरकार ने सब्सिडी में कटौती करी है, जो हमारा सब्सिडी सिस्टम जो भारत सरकार शुरू से दे रही है तो उसमें काफ़ी हद तक कटौती कर दी गई है ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, अल्टीमेटली जो बर्डन है वो किसान के ऊपर पड़ा है और किसान सक्षम नहीं है कि वो जो है मशीनों का उपयोग कर सके या फिर किसी तरीके के फर्टिलाइजर्स का उपयोग कर सके, है ना, कि कोई फर्टिलाइज़र यूज़ कर सके, बीज खरीद सके, तो उसको बिना सब्सिडी के उसको नुकसान है। तो वो क्या करेंगे, कृषि क्षेत्र का डिक्लाइन है, नॉर्मल पद्धति से कृषि करेगा या फिर जो है आपकी खाद्य जो फसल वगैरह होगी उसमें कुछ ज़्यादा ये डाल देगा, फर्टिलाइजर्स वगैरह कुछ अलग तरीके का डाल देगा, उससे क्या होगा, उसकी जो पूरी की पूरी फसल होती है मैक्सिमम समय बर्बाद हो जाती है ना, फसल बर्बाद भी हो जाती है, ये भी एक प्रमुख कारण रहे हैं। ठीक है, परिणाम स्वरूप उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई। अब जब उत्पादन की लागत में प्रोडक्शन में वृद्धि हुई है तो इससे क्या हुआ, किसान का डाउनफॉल हो गया पूरी तरह से, इकोनॉमिकली वो पूरा वीक हो गया, फसल बर्बाद हो गई बाई चांस, खराब हो गई किसी भी रीज़न से, है ना, बारिश बरसात से, भारत में आपको मालूम है कि बरसात वगैरह से ऐसा ज़्यादा हो जाता है ना। उत्पादन की लागत ज़्यादा हुई, एक तो ये रीज़न, दूसरा लागत ज़्यादा हुई तो उसने खुद से कृषि छोड़ दी। बैंक ऋण आसानी से उपलब्ध नहीं है, है ना, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हालांकि बनाए गए हैं लेकिन स्टिल आज भी जो है बैंक ऋण अवेलेबल नहीं है और किसानों को धन उधारदाताओं यानी कि साहूकार, मालूम होगा ना आप लोगों को साहूकार होते हैं गांव में, साहूकारों पर भरोसा करते हैं और वो लोग क्या करते हैं, किसानों को लूट लेते हैं, है ना, काफ़ी सारा पैसा दे देते हैं उनको और उनकी पूरी उम्र बीत जाती है उनका पैसा चुकाते चुकाते, जिससे विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऋण लेने की लागत में वृद्धि हुई है ना? जो छोटे सीमांत किसान हैं भारत में, मैक्सिमम जो किसान हैं वो यही हैं, है ना, छोटे और सीमांत किसान हैं और जिनका जो उत्पादन है वो लिमिटेड है, यानी कि एक क्षेत्र तक ही सीमित है, बहुत बड़े स्तर पर नहीं है। तो ये हमारे प्रमुख कारण रहे हैं अर्थव्यवस्था के ह्रास के। ओके, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन करें सो दैट आपको जो है हमारी क्लासेस की, जो भी हम क्लास अनअकैडमी पर लेते हैं उसकी जानकारी मिल सके, प्लस
जो भी हमारे न्यू कोर्सेज लॉन्च हो उनके बारे में आपको जानकारी मिल सके। ठीक है, आज काफ़ी दिनों बाद हमने एक वीडियो अपलोड किया, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका होगा, बट कोशिश है हमारी कि आगे भी जो है वीडियोस रेगुलर बेसिस पे अपडेट होते रहें। अन अकेडमी पर हमारी जो क्लासेस होंगी उनका लिंक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, साथ ही साथ जो टेलीग्राम का लिंक है ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं, जहाँ पर आपको हमारी जो भी अन अकेडमी की क्लासेस हैं उनके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी, और साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम लिंक है और जो भी हमारी पिछली क्लासेस हुई हैं फ्री क्लासेस, आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, एंड हमारी कोशिश है आप लोगों का सपोर्ट हेल्प चाहिए, ठीक है, और ताकि हम वीडियोज़ को रेगुलर बेसिस पर अपडेट कर सकें। ठीक है, वी आर प्लानिंग समथिंग, आई एम प्लानिंग समथिंग कि आप लोगों को सोशियोलॉजी जो है स्पेशली हिंदी मीडियम, जो हिंदी माध्यम है हमारा समाजशास्त्र में, उनको काफ़ी हद तक मदद मिल सके। ठीक है, तो हिंदी माध्यम के लिए ही कुछ प्रिपेयर किया जा रहा है, इसी वजह से वीडियोस यहाँ पर बहुत डिले चल रही हैं। सो आज हमने सोचा फिर भी आपको एक वीडियो एटलीस्ट अपलोड कर दें। ठीक है, कोशिश है कि आगे भी ऐसी इस तरीके से अपलोड होती रहेंगी। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, एंड आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको सभी लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, ओके, हमारे टेलीग्राम चैनल का भी, एंड उसी के साथ साथ जो हमारी क्लासेज हैं उनका भी। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, ओके, बाय बाय।